जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज की संडे क्लास में दोस्तों हम मचाने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन के साथ। जी हां दोस्तों, 100 मिनट में करेंगे 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन दोस्तों साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली जो पैटर्न है हमारे एग्जाम का उस पर बेस्ड है, और दोस्तों पूरी साइंस का निचोड़ यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आज के इस लेक्चर में दोस्तों, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं बहुत ही धमाके दार क्वेश्चन। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको मिलने वाले हैं सभी तरह के जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं वो भी आपको मिलेंगी, और दोस्तों इसी ग्रुप पे आपको सभी तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी एग्जाम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें @shubhamsir_textbook। ये टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों आपको सर्च करना होगा और उसके बाद दोस्तों इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बढ़ेंगे अब पहले क्वेश्चन के पास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फ्लो द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यानी इनमें से कौन सा अम्ल है जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन करता है, कौन सा इसमें से ऐसा है, क्या वो एसिटिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, मैलिक एसिड है, या फिर दोस्तों नन ऑफ द अबव। कौन सा ऐसा है जो दोस्तों यहां पर फॉलो करता है कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को, तेजी से मुझे इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए। बहुत ही बढ़िया सही आंसर यहां पे आ रहा है, सभी लोगों का यहां पर सही आंसर देखिए आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही आंसर मुझे मिल रहा है सभी का। चलिए चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है दोस्तों, एसिटिक एसिड। देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर दिया है सभी लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेल्यूलोज का दोस्तों पूर्ण जल अपघटन क्या देगा, अगर सेल्यूलोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो दोस्तों यहां पर क्या चीज देगा, ये मुझे आप लोग बताइए, तेजी से मुझे इसके बारे में बताइए। सेल्यूलोज का दोस्तों अगर हम पूर्ण हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट उसका अगर हम जल अपघटन करेंगे, तो दोस्तों क्या चीज बना के देगा वो, क्या फ्रक्टोज बना के देगा, ग्लूकोज बना के देगा, या डी ग्लूकोज देगा, या एल फ्रक्टोज देगा। निगम जी देखिए विटामिन का पीडीएफ उसी ग्रुप में पहुंच चुका है, टेलीग्राम के ग्रुप में पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए सिद्धि गुप्ता जी, मिस्टर परफेक्ट जी, सोनाली पाठक जी, स्नेहा जी, विपिन कुमार जी, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, सही आंसर यहां पे आ रहा है, सही आंसर यहां पे आ रहा है, डी ग्लूकोज ही दोस्तों बना के देगा। अगर सेल्यूलोज का हम करेंगे हाइड्रोलिसिस दोस्तों, तो ये बना के देता है डी ग्लूकोज। ये आप लोग यहां पर याद करिए दोस्तों, सेल्यूलोज के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अंश गुप्ता जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और किसके साथ मिलकर बना होता है, क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, क्या सुक्रोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, या गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर दोस्तों बनाते हैं लैक्टोज, तेजी से आप मुझे बताइए कौन सा इनमें से ऐसा है जो दोस्तों लैक्टोज को बनाता है, मुझे बताइए ग्लूकोज के साथ मिलकर कौन बनाएगा। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, सही आंसर यहां पर आप सभी का आ गया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पर हर सभी का आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है, बाकी लोग भी इसका आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है, सही आंसर आपका यहां पर है गैलेक्टोज, जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज है दोस्तों यही मिलकर लैक्टोज बना देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O11, और दोस्तों यहां गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है, गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है, और दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है इन तीनों का, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही है, गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी यही है, और दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही है, और ये सब मिलकर दोस्तों लैक्टोज बना लेते हैं। इस बात को आप लोग यहां याद करिए,
लैक्टोज की दोस्तों बात यहाँ पर याद इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि लैक्टोज को दोस्तों हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं। याद कर लीजिए, मिल्क शुगर भी दोस्तों इसको कहा जाता है क्योंकि लैक्टोज दोस्तों दूध में पाई जाती है। ये आप लोग यहां पर याद करिएगा, लैक्टोज शर्करा जो है यही दोस्तों दूध में भी पाई जाती है, इसीलिए इसको दोस्तों दूध शुगर शुगर या दूध की शुगर भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर यहां पर हो जाए ऑप्शन नंबर 3, याद कर लीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयरिस इज द प्रेजेंट बिहाइंड द, आंख की जो पुतली होती है वो किसके पीछे दोस्तों मौजूद होती है, जो आंख की पुतली है ये किसके पीछे दोस्तों मौजूद होती है, मुझे इसका आंसर दीजिए, तेजी से इसका आंसर दीजिए। जो आयरिस है हमारी, ठीक है, जो आंख की पुतली है आयरिस है, ये दोस्तों किसके पीछे उपस्थित होती है। चलिए बिल्कुल सही विकल्प जी, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है श्वेत पटल, यानी कोरोना के पीछे दोस्तों, जो हमारा कोरोना होता है उसी के पीछे दोस्तों स्थित होती है ये आंख की पुतली। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर सभी लोगों ने दिया है लगभग। यही पर दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि मानव की जो आंख होती है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मानव की जो आंख होती है दोस्तों इसमें हम बात करें अगर कैमरे की तो 576 मेगापिक्सल की कैपेसिटी इसमें होती है। याद कर लीजिए, 576 मेगापिक्सल की कैपेसिटी जो है वो दोस्तों मानव नेत्र की होती है, ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है। साथ ही साथ दोस्तों मानव आंख जो है ये एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है जो कि हमेशा उल्टा होता है, यानी हम जो भी वस्तुएं देखते हैं उनका प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा ही उल्टा बनता है और हमारा दिमाग उसे सही करके दोस्तों देखता है। ठीक है ना, तो याद कर लीजिए मानव आंख के बारे में दो बातें, मानव आंख में 576 मेगापिक्सल का दोस्तों कैमरा होता है अगर हम कैमरे से करें तुलना, और ये हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दोस्तों इसका बनाती है। ये दोनों बातें दोस्तों आप लोग यहां पर याद करिए, दोनों ही बातें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़िए दोस्तों आगे बढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वेरीफाइज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, यानी निम्न में से कौन सी घटना ऐसी है जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि की तुलना में काफी तेज से गति करता है। ये मुझे बताइए कौन सा इनमें से फिनोमेना है जो ये तय करता है कि प्रकाश जो है वो बहुत ही तेजी से, साउंड से भी तेज गति से तुलना यात्रा करता है। निगम जी बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रवि कुमार जी, विकल्प जी, आशुतोष कुमार जी, चलिए बिल्कुल सही आंसर आ गया, यहां पर सही आंसर आ गया दोस्तों थंडर स्टोम, यानी तड़ित वृष्टि। ठीक है, जो थंडर स्टोम है वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो दोस्तों लाइट है वो ज्यादा तेज चलती है साउंड से। क्यों? जब आसमान में दोस्तों बिजली कड़कती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि आसमान में जब बिजली कड़कती है तो वो दिखाई पहले देती है और दिखाई देने के बहुत समय बाद दोस्तों हमें उसका साउंड सुनाई देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि दोस्तों लाइट का ट्रेवलिंग जो है वो ज्यादा स्पीड से होता है और जो साउंड का ट्रेवलिंग है दोस्तों वो कम स्पीड से दोस्तों यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो थंडर स्टोम है यानी तड़ित वृष्टि है वही दोस्तों इस बात को प्रूफ करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैफीन, कैफीन का फॉर्मूला दोस्तों इसमें से कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैफीन का फॉर्मूला दोस्तों इनमें से कौन सा होगा। केवल एक सही फॉर्मूला यहां पर है, केवल एक सही फॉर्मूला दोस्तों यहां पर है, बताएं मुझे केवल एक फॉर्मूला यहां पर सही है, कौन सा है वो कैफीन का फॉर्मूला। चलिए अमन कुमार जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, C8H10N4O2, याद कर लो मेरे भाई लोगों, यही कैफीन का फॉर्मूला है जो कॉफी में दोस्तों पाया जाता है। याद कर लीजिए, कॉफी में दोस्तों पाया जाता है, हम सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, याद करिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जो कैफीन का रासायनिक सूत्र है वो क्या है, C8H10N4O2, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, यानी कौन सा पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है,
पौधों के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो दोस्तों कौन से नहीं है, जल्दी से बताइए मुझे, तेजी से बताएं कौन से इनमें दोस्तों सूक्ष्म नहीं है। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पे आंसर आ गया है, नाइट्रोजन दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पौधों के लिए तीन हमारे होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, याद कर लीजिए, प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं तीन, जिनको कहा जाता है एन पी और के, जिसमें से एन का मतलब दोस्तों नाइट्रोजन होता है, ठीक है, पी का यहां पर मतलब दोस्तों फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस, और दोस्तों के का मतलब यहां पर पोटेशियम होता है, याद कर लीजिए के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम दोस्तों यहां पर होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, प्राइमरी है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है बल्कि ये मुख्य पोषक तत्व है दोस्तों, ये सूक्ष्म नहीं है ये मुख्य पोषक तत्व है, इसीलिए दोस्तों यहां पर सही आंसर नाइट्रोजन होगा, जो कि एक सूक्ष्म पोषक नहीं है बल्कि दोस्तों एक मुख्य पोषक तत्व की तरह यहां पर काम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वैक्स इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड ऑफ, मोम जो है वो किसका दोस्तों जटिल रासायनिक यौगिक है, जटिल रासायनिक यौगिक है मोम किसका है, वो क्या कार्बन और ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, या कार्बन और हाइड्रोजन का है, या कार्बन और सल्फर का है, तेजी से बताएं मुझे, बताइए तेजी से। निगम जी विटामिन की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी वो आ चुकी है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, कार्बन और हाइड्रोजन जब पेट्रोलियम से दोस्तों प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन करते हैं, ठीक है, जब पेट्रोलियम का दोस्तों हम लोग निकालते हैं तो पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है हमारा वैक्स, ठीक है ना, जो हमारा वैक्स है यानी मोम है ये दोस्तों पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है, याद कर लीजिए, इसीलिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होने की बात यहां पर दोस्तों कही गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तेजी से बताइए, मानव रक्त के पीएच की यहां पर बात की गई है, जल्दी से बताएं, जल्दी से। चलिए निगम जी मैं एक बार चेक कर लूंगा कि वो विकल्प विटामिन की है या नहीं है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार। चलिए विहान पुणे जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यहां पे आंसर आ गया, सही आंसर है 7.4, हम सभी को मालूम है 7.4 का मतलब हो जाता है कि लगभग लगभग दोस्तों कैसी होगी वो, लगभग लगभग कैसी होगी, न्यूट्रल होता है हमारा ब्लड, है ना, लेकिन 7.4 है तो कैसा हो गया भाई, सात वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अगर हम बात करें तो जीरो से लेकर और 6.9 अगर यहां तक किसी की पीएच है दोस्तों तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, अगर किसी की सात है तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, और अगर सेवन से आगे है और 14 तक है दोस्तों तो यहां पर वो कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अब यहां पर ब्लड की जो पीएच है वो कितनी होती है, 7.4 होती है, इसका मतलब हमारा ब्लड भी कैसा हो गया, बेसिक नेचर वाला दोस्तों ब्लड हो गया, ठीक है, याद करिए। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसिड प्रेजेंट इन द लेमन इज, नींबू में कौन सा होता है, नींबू में कौन सा होता है दोस्तों अम्ल, जल्दी से बताइए नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तेजी से इसका आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए सही आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। चलिए चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। नींबू की बात करें तो सिट्रिक एसिड उसमें होता है, सिट्रस उसमें एसिड दोस्तों होता है, याद कर लीजिए, सही आंसर है। अब दोस्तों अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये दोस्तों मिल्क में होता है, याद कर लीजिए, एक प्रकार का वीक एसिड होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, मिल्क में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो ये दोस्तों टर्मरिक में होता है, टर्मरिक यानी हल्दी में, ठीक है, याद कर लीजिए, जो टार्टरिक एसिड है और टामरिंड में भी होता है। अगर टार्टरिक एसिड की बात करें तो दोस्तों ये टार्टरिक एसिड जो है ये टामरिंड में ही मिलेगा,
टामरिंड यानी इमली, ठीक है, जो हमारी इमली होती है उसमें भी दोस्तों मिलेगा, जो हमारा टार्टरिक एसिड है ये टामरिंड यानी इमली, ठीक है, इमली में भी दोस्तों मिलता है, याद कर लीजिए इमली, ठीक है, इसको याद करिए, ये दोनों ही आप लोग यहां पर याद करिए, दोनों ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। और अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये तो हम लोगों को मालूम है दोस्तों, चींटियों में दोस्तों पाया जाता है हमारा फॉर्मिक एसिड, ये भी आप लोग यहां पर याद करिए, ये दोनों ही बातें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राइजोबिया किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों, राइजोबिया रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या खाद्य पदार्थों को सड़ाते हैं ये, क्या शराब के फॉर्मेशन के लिए शराब को बनाने में जरूरी होते हैं, क्या फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल यानी मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जरूरी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। आशुतोष जी बिल्कुल, मिल्क में एसिड होता है लैक्टिक एसिड। चलिए सपना जी बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया सही आंसर यहां पे आ गया है, मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए राइजोबिया दोस्तों जरूरी होते हैं, ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहुत सुंदर, बढ़िया दोस्तों आगे बढ़िए। टेबल शुगर किस प्रकार की चीनी है, टेबल शुगर जो होती है उसमें दोस्तों क्या होता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है या फिर गैलेक्टोज दोस्तों होता है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या होता है हमारी टेबल शुगर में। चलें दोस्तों बहुत सुंदर सही आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर आ गया, सुक्रोज ही होता है दोस्तों, सुक्रोज होता है हमारी टेबल शुगर में दोस्तों, याद कर लीजिए, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर B7, B7 का दोस्तों रासायनिक नाम पूछा गया है, तेजी से बताओ, सस्ता है क्वेश्चन ये, मुझे जल्दी से बताइए विटामिन B7 का दोस्तों केमिकल नाम यहां पर क्या होगा, केमिकल नाम पूछा गया है विटामिन B7 का क्या होगा, मुझे बता दो तेजी से। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ गया है, सही आंसर यहां पे आप सभी ने दे दिया है, ठीक आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, बायोटिन इज द राइट आंसर, बायोटिन यहां पर बिल्कुल सही आंसर है जो दोस्तों यहां पर पाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए पेंटोथेनिक एसिड की बात करेंगे तो ये B5 का नाम हो जाता है, अगर एस्कॉर्बिक एसिड की बात करेंगे ये सी का नाम हो जाता है, और फॉलिक एसिड की बात करेंगे तो ये B9 का नाम हो जाता है, ठीक है, ये आप लोग यहां पर याद कर लीजिए, जो केमिकल नाम है वो याद कर लीजिए, पेंटोथेनिक एसिड B5 हो जाता है, बायोटिन B7 हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो सी हो जाएगा, और फॉलिक एसिड जो है B9 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, निम्न में से पानी में घुलनशील दोस्तों कौन सा विटामिन है, पानी में घुलनशील दोस्तों कौन सा विटामिन है, जल्दी से बताइए, पानी में घुलनशील यहां पर कौन सा होगा। चलिए चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ रहा है दोस्तों, पानी में घुलनशील होगा एस्कॉर्बिक एसिड, क्यों, क्योंकि पानी में जो घुलनशील होते हैं वो दोस्तों केवल दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब यहां पे एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ है केवल, बाकी लिखा हुआ नहीं है, तो विटामिन बी और सी यही आंसर हो गया। और अगर वसा में बात करें तो वसा में दोस्तों होते हैं 4 विटामिन ए डी ई और के, ये चारों विटामिन दोस्तों जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, ये भी आप लोग यहां पर याद करिए। बाकी दोस्तों कैल्सिफेरॉल का नाम होता है डी, हम सभी को मालूम है, टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई हो जाएगा, और अगर बात करें फिलोक्विनोन की तो ये दोस्तों हो जाएगा विटामिन के। अब यही पे याद करिए विटामिन के का एक और नाम भी होता है और वो है दोस्तों नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, ठीक है, ये भी आप लोग यहां पे याद करिए, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, ये दोनों ही नाम जो है, ये दोनों ही नाम दोस्तों विटामिन के हैं, याद कर लीजिए, दोनों नाम किसके हैं, विटामिन के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड, यानी निम्न में से किसका इस्तेमाल दोस्तों आमतौर पर कीटनाशक के रूप में दोस्तों किया जाता है, आमतौर पर इनमें से किसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, तेजी से बताइए।
आमतौर पर किसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में दोस्तों करते हैं? चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन, बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही। डीडीटी से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीडीटी इसे शॉर्ट में कहते हैं, याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यही दोस्तों नाम होता है इसका, तो डीडीटी यहां पर नाम बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द इलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, यानी इलेक्ट्रॉन की पहचान दोस्तों सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन यहां पर हो गया है इंपॉर्टेंट, तेजी से मुझे बताइए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की पहचान दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, जे जे थॉम्सन के द्वारा, या फिर दोस्तों जे केपलर के द्वारा? भूमि राजपूत जी बताइए जल्दी से, आशुतोष जी, दीपक जी, आशुतोष जी, सिद्धि गुप्ता जी, निखिल सिंह जी, सभी लोग बताएं इसका आंसर। अभिजीत जी, चले शिव कुमार जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है, बिल्कुल सही जे जे थॉम्सन। हम सभी को मालूम है दोस्तों ईंट पर नाच, ये सभी को मालूम होगा ईंट पर नाच, ठीक है, हम सबने बचपन सुना है। ईंट का मतलब हो गया, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टी से हो गया थॉम्सन, यानी जे जे थॉम्सन, ठीक है। यहां पी से हो गया प्रोटॉन और आर से हो गया रदरफोर्ड, ठीक है, आर से क्या हो गया? रदरफोर्ड। और यहां ना से हो गया दोस्तों न्यूट्रॉन और चा से हो गया यहां पर चैडविक, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों तीनों चीजें यहां पर आपने देख ली है, तीनों को याद कर लीजिए। यहां अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आंसर होगा जे जे थॉम्सन, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, द स्मॉलेस्ट एल्केन दैट केन फ्रॉम रिंग स्ट्रक्चर, सबसे छोटे एल्केन जो एक वृत्त संरचना बना सकते हैं। अब मुझे बताइए सबसे छोटे एल्केन कौन से होते हैं जो दोस्तों वृत्त संरचना बना सकते हैं? तेजी से बताइए मुझे, वृत्त संरचना कौन बनाएगा? वृत्त संरचना कौन दोस्तों बनाता है? साइक्लोइथेन, साइक्लोमीथेन, साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन? वृत्त संरचना कौन बना पाएगा जल्दी से मुझे बताइए। चले बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, यहां पर सही आंसर आ गया है, साइक्लोप्रोपेन यहां पर सही आंसर है। साइक्लोप्रोपेन जो है वो दोस्तों एक वृत्त संरचना बना सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एल्केन जो होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, CnH2n+2, ये इनका जनरल फॉर्मूला दोस्तों यहां पर होता है। दूसरी बात, ये कैसे होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, यानी दोस्तों संतृप्त होते हैं। और तीसरी बात, इसमें दोस्तों सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको दोस्तों हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। याद कर लीजिए, इन्हीं बॉन्ड्स को, सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी दोस्तों कहते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए, केवल सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल इस एल्केन में दोस्तों किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बायोचिप क्या होती है? व्हाट डस बायोचिप कंटेन? बायोचिप में दोस्तों क्या होता है? क्या इसमें आरएनए होता है, डीएनए होता है? आरएनए डीएनए दोनों होंगे या आरएनए डीएनए और प्रोटीन होगा? बायोचिप में दोस्तों क्या होता है? यह सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। बायोचिप में दोस्तों क्या होता है? चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का है। आरएनए डीएनए और प्रोटीन दोस्तों तीनों ही चीजें यहां पर होती हैं, बिल्कुल सही, आरएनए डीएनए प्रोटीन तीनों ही चीजें दोस्तों यहां पर होती हैं हमारी बायोचिप में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, द्विआबंध क्या होता है? डबल बॉन्ड क्या होते हैं? अब डबल बॉन्ड दोस्तों बताइए क्या होते हैं? क्या सिंगल बॉन्ड से छोटे होते हैं, सिंगल बॉन्ड से बड़े होते हैं, या एकल और द्विआबंध की लंबाई समान होती है, या फिर दोस्तों दबाव पर निर्भर करता है? क्या फर्क है दोस्तों हमारे द्विआबंध में और बाकी चीजों में? अनुराग कुमार जी, सागरिका जी, बंटी यादव जी, गौरव त्यागी जी, भूमि राजपूत, सभी लोग बताइए इसका आंसर। पूजा चौधरी जी, दीपक यादव जी, प्रसन्नजीत जी,
चलिए चलिए, सही आंसर यहाँ पे आ गया है, सही आंसर यहाँ पे आ गया है दोस्तों, एकल आबंध से छोटा होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों, डबल बॉन्ड याद कर लीजिए, डबल बॉन्ड जो होते हैं ये एकल आबंध से छोटे बॉन्ड होते हैं दोस्तों, और अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, यानी असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड दोस्तों ये होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, यानी एक गैस किस अवस्था में आदर्श व्यवहार करती है, एक गैस किस अवस्था में आदर्श व्यवहार करती है, क्या हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, क्या लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, या लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, या हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, कब दोस्तों जो गैस है वो एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, मुझे बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए, निगम जी, अनुराग जी, संजीत कुमार जी, निखिल सिंह जी, अनुराग जी, प्रत्युष जी, सभी लोग बताइए, अर्जुन कुमार जी, पल्लवी कुमारी जी, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ गया है, सही आंसर यहां पे आ गया है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, अधिक ताप और कम दाब, जो हमारी एक गैस है ये आदर्श व्यवहार कब करती है, जब टेम्परेचर हो हाई और प्रेशर हो लो, जब ऐसा होता है दोस्तों तभी ये आदर्श व्यवहार करती है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या फिर दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी इनमें से ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, तेजी से बताइए। चलें, बिल्कुल सही दोस्तों आंसर आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही, यही दोस्तों कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस है जो दोस्तों कूलेंट में से निकलती है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हो या बाकी चीजें हो, इन्हीं में से दोस्तों निकलती है, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होते हैं हमारे घरों में, इनमें से भी निकलती है, या फिर एसी होते हैं हमारे, उन एसीज में से निकलती है दोस्तों, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ग्रीन हाउस गैस को दोस्तों शो करती है, ठीक है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो वो CO2 है दोस्तों, ये सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो यही देती है, ठीक है, सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो CO2 के द्वारा ही दोस्तों दिया जाता है। इसके बाद दूसरी जो होती है वो CH4 होती है, अमोनिया होती है, सॉरी मीथेन होती है, मीथेन दूसरी जो है वो सबसे अधिक दोस्तों ग्रीन हाउस गैस क्रिएट करने वाली गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ, रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग प्रोग्राम था वो किसके आकार से संबंधित था, ये क्वेश्चन बताइए, रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग अपना प्रोग्राम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो दोस्तों किसके लिए था, क्या न्यूक्लियस के लिए था, परमाणु के लिए था, इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, या फिर दोस्तों न्यूट्रॉन्स के लिए था, किसके लिए था वो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग प्रोग्राम। चले बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर है, न्यूक्लियस के लिए था वो, तो हमको याद होगा एक हमारे पास बीच में जो था वो एक परमाणु था इस तरीके से, और इस पर अल्फा कणों की बमबारी की गई थी, तो ये बताया गया था कि जो हमारी अल्फा कणों की जो रेंज है, जो हमारी अल्फा कणों की रेंज है वो क्या हुआ था, वो बाहर निकल गए थे इस तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल बाहर जा रहे थे, ठीक है, या फिर दोस्तों वो इस तरीके से यहां पर इस तरीके से हुए थे, यही दोस्तों प्रयोग था रदरफोर्ड का, इस तरीके से आपने डायग्राम देखा होगा अपनी क्लासेस में, ठीक है, इस तरीके से आपने दोस्तों क्लासेस में देखा होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अ पर्सन हु कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज लाइक टू यूज, एक व्यक्ति जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या उपयोग करना चाहिए, एक व्यक्ति जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे दोस्तों क्या प्रयोग करना चाहिए, मुझे तेजी से अब इसका आंसर दीजिए, उसे यहां पर क्या प्रयोग करना चाहिए, जल्दी से मुझे बताइए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर यहां पे आ गया है,
चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। चलिए चलिए चलिए, सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है उत्तल लेंस, बिल्कुल सही आंसर है यहां पर कॉन्वेक्स लेंस। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। निकट की वस्तुओं को जो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे कॉन्वेक्स लेंस प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निकट की वस्तुओं को देखने की वजह, अगर निकट की वस्तु है जो साफ दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब में दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, और इसके लिए दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। और अगर मान लीजिए दूर की वस्तु है तो दोस्तों क्या होता है, हमें निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगर दूर की वस्तु है तो निकट दृष्टि दोष होता है, और इसमें फिर हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल दोस्तों करके सही कर लेते हैं इस चीज को। ठीक है ना, सही आप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, पेशीय अशांति निम्न में से किसके संचयन कारण होती है? मसल फटिक जो है वो दोस्तों किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से मसल फटिक दोस्तों होता है? बताएं मुझे तेजी से इसका आंसर। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, याद कर लीजिए, सही आंसर आ गया, सही आंसर आ गया दोस्तों, लैक्टिक एसिड। बिल्कुल सही, जो मसल फटिक है वो लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण ही हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले दोस्तों फिर से आपको याद दिला दूं कि ये दोस्तों जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन करना है, @shubhamsir_textbook। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए @shubhamsir_textbook और इसको दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज लोअर रेजिस्टिविटी? निम्न में से किस सामग्री की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है? निम्न में से किस सामग्री की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है? क्या वो सिल्वर है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, या फिर दोस्तों ग्लास है? किसकी प्रतिरोधकता, किसकी रेजिस्टिविटी दोस्तों बहुत कम होती है? मुझे तेजी से बताइए, किसकी रेजिस्टिविटी यहां पर कम होती है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर यहां पे दे दिया गया। बिल्कुल उत्कर्ष जी, अपनी क्लास सुबह होती है 8:30 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 8:30 AM पर अपनी क्लास होती है डेली। ठीक है, कल सुबह मिलेंगे 8:30 बजे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विच टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ बैट? एक चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि को प्रोड्यूस किया जाता है, निर्मित किया जाता है? चमगादड़ है दोस्तों, किस प्रकार की ध्वनि को निकाले गए पूछा गया है, क्या सबसोनिक को, अल्ट्रासोनिक को, सुपरसोनिक को, या फिर इंफ्रासोनिक को? चलिए बिल्कुल सही आंसर दे दिया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, अल्ट्रासोनिक इज द राइट आंसर, अल्ट्रासोनिक बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अल्ट्रासोनिक की बात समझ लीजिए। जो अल्ट्रासोनिक होते हैं दोस्तों, ये आप समझ लीजिए, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति अगर होती है तो उन्हीं को दोस्तों हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। याद कर लीजिए, आवृत्ति का मतलब यहां पर फ्रिक्वेंसी से है दोस्तों, अगर फ्रिक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तब उसे अल्ट्रासोनिक कहा जाएगा, और अगर मान लीजिए 20 हर्ट्ज से कम है, अगर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति है तो उसे दोस्तों इंफ्रासोनिक कहा जाता है। यह भी आप लोग यहां पे याद करिए। और अगर बात करें सुपरसोनिक की दोस्तों, तो सुपरसोनिक का मतलब होता है जिसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड के बराबर हो, स्पीड साउंड स्पीड के बराबर हो, साउंड स्पीड के बराबर या ज्यादा। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो उसको दोस्तों हम लोग यहां पर सुपरसोनिक कह देते हैं। ठीक है ना, याद कर लीजिए। अगर सबसोनिक की बात करें तो सबसोनिक का मतलब है जिसकी स्पीड दोस्तों साउंड की स्पीड के लगभग बराबर हो, स्पीड लगभग साउंड की स्पीड के बराबर हो, अगर ऐसा होता है तो उसे सबसोनिक कहते हैं। अगर मान लीजिए साउंड की स्पीड ज्यादा हो गई है साउंड की स्पीड से तो उसे सुपरसोनिक दोस्तों कह दिया जाता है। और यहीं पर एक शब्द होता है दोस्तों, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक,
हाइपरसोनिक का मतलब होता है दोस्तों स्पीड जो है वो साउंड के 5 गुने से भी ज्यादा हो। साउंड स्पीड से 5 गुनी या अधिक अगर ऐसा कुछ भी है तो दोस्तों फिर वो हाइपरसोनिक कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोड्यूसर गैस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, उत्पादक गैस में क्या नहीं होता, इन चारों में से कौन सी ऐसी गैस है जो उत्पादक गैस में नहीं होती है, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो उत्पादक गैस में दोस्तों शामिल नहीं होती है। तेजी से बताइए इसका आंसर। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है। जो बी है यानी बोरॉन है वही दोस्तों यहां पर उत्पादक गैस में शामिल नहीं होती है, बाकी तीनों ही दोस्तों यहां पर प्रोड्यूसर गैस में शामिल होती है। ठीक है, चलिए सभी ने आंसर सही दिया है, आगे बढ़ते हैं तेजी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच डिजीज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ कैडमियम, कैडमियम के दोस्तों प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो जाती है, कैडमियम के द्वारा दोस्तों कौन सी बीमारी होती है, मुझे बताइए तेजी से, बहुत ही तेजी से बताइए। चलिए बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया सही आंसर यहां पे सभी लोग दे रहे हैं, सभी का आंसर यहां पर सही आ रहा है। जल्दी से मुझे बाकी लोग भी आंसर दीजिए, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, किस वजह से होता है मीना, ये कैडमियम धातु की वजह से कौन सा रोग होता है, कैडमियम धातु की वजह से कौन सा दोस्तों रोग हो जाता है, जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है दोस्तों। इटाई रोग जो होता है यही दोस्तों कैडमियम की वजह से हो जाता है, कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा होता है, इटाई होता है। और मीना माटा जो है दोस्तों ये पारा यानी मरकरी की वजह से दोस्तों हो जाता है, यानी HG के पॉल्यूशन की वजह से ये दोस्तों हमारा मीना माटा रोग हो जाता है। ठीक है ना, सही आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हेन अ रेड एंट बाइट्स अ पर्सन स्टिंग, द स्टिंग इज कॉट बाय द रिएक्ट ऑफ द विच फॉलोइंग एसिड, यानी जब लाल चींटी किसी भी व्यक्ति को काटती है तो वह डंक मार देती है, और डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है यह पूछा गया है, कौन सा अम्ल होता है डंक में यही यहां पर पूछा गया है, मुझे बताइए तेजी से दोस्तों। चले बिल्कुल सही आंसर आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, फॉर्मिक एसिड, अभी हमने देखा था फॉर्मिक एसिड होता है लाल चींटी के डंक में, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू, निम्न में से कौन सा दोस्तों एक संयोजी ऊतक है, आसान क्वेश्चन अब हो गया है, कौन सा इनमें से होगा संयोजी ऊतक, मुझे तेजी से दोस्तों बताइए, संयोजी ऊतक यहां पर कौन सा हो जाएगा, तेजी से मुझे बताइए, सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर सभी लोग दे रहे हैं, और सही आंसर है दोस्तों हड्डी, बिल्कुल बोन जो है दोस्तों वो एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही आंसर है, जो सभी चीजों को जोड़ के रखती है, बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों, हड्डी यानी बोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैग्नीज परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज, जो मैग्नीज है दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर पूछा गया है, बताइए तेजी से, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तेजी से बताइए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होगा, आंसर मुझे सभी के मिल रहे हैं दोस्तों, बताइए मुझे तेजी से। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अगर हम बात करें मैग्नीज की दोस्तों 25 का एटॉमिक नंबर हो जाता है, यानी दोस्तों यहां पर जो एटॉमिक नंबर है वो दोस्तों 25 है, याद कर लीजिए एटॉमिक नंबर जो है दोस्तों 25 है, इसका मतलब जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी होगी, इसके अंदर 25 दोस्तों हो जाएगी, याद कर लीजिए।
अगर पीरियड टेबल की बात की जाए तो दोस्तों कौन से पीरियड में होता है? चौथे पीरियड में ये होता है। चौथे पीरियड में हमारा जो है मैग्नीज दोस्तों पाया जाता है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही, एम एन होता है इसका सिंबल, ये भी हम लोग को मालूम होगा मैग्नीज का सिंबल क्या होता है, एम एन होता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, सबसे लचीला धातु कौन सा है, सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन सा है, जिसको पतली शीट्स में दोस्तों चेंज कर सकते हैं, बहुत ही पतली पतली शीट्स में हमको चेंज कर सकते हैं, ऐसा इनमें कौन सा होता है, क्या गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है या फिर ब्रॉन्ज। चले चले चले, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है सोना, गोल्ड इज द राइट आंसर दोस्तों, सबसे ज्यादा जो लचीली धातु है वो दोस्तों गोल्ड ही है यहां पर, बिल्कुल सही है रवि कुमार जी, उजाला कुमारी जी। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन द सोर मिल्क, मुझे बताइए तेजी से, निम्न में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है, अब ये बताइए मुझे कौन सा अम्ल ऐसा है जो खट्टे दूध या मट्ठे में दोस्तों पाया जाएगा, क्या वो फॉर्मिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है या फिर वो टार्टरिक एसिड है, तेजी से बताएं। आशुतोष कुमार जी, शिव कुमार जी, चलिए बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर, लैक्टिक एसिड यहां पर सही आंसर है, हमने अभी पढ़ा भी था इसको, बिल्कुल सही आंसर यहां पर लैक्टिक एसिड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच इज कॉज्ड रिकेट्स, निम्न में से किसकी कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है, ये मैंने कल ही क्वेश्चन पढ़ाया है, बताइए तेजी से किसकी कमी से यहां पर रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। चलिए मोहित कुमार जी, प्रगति गुप्ता जी, सभी लोग बताइए आंसर, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है, विटामिन डी दोस्तों इज द राइट आंसर, विटामिन डी की कमी से ही क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, यानी सूखा रोग दोस्तों हो जाता है, जो कि हड्डियों का दोस्तों एक रोग है, ठीक है। ये सूखा रोग कैसा है, एक बोन डिसीज है, यानी हड्डियों का दोस्तों ये रोग होता है, याद कर लीजिए, एक बोन डिसीज है यानी हड्डियों का यहां पर दोस्तों रोग होता है। इसी प्रकार दोस्तों ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग दोस्तों हो जाता है। इसी प्रकार प्रोटीन की बात करें तो मरास्मस नामक रोग दोस्तों हो जाता है प्रोटीन्स की कमी से, मरास्मस, और साथ में दोस्तों क्वाशियोर कोर हो जाता है, क्वाशियोर कोर भी दोस्तों प्रोटीन की कमी से ही होता है, और बी की कमी से दोस्तों बहुत सारे रोग यहां पर होते हैं। अगर हम B3 की बात करेंगे तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है ना, अगर B1 की बात करेंगे तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, बेरी बेरी, यहीं पर अगर हम B12 की बात करेंगे या साथ में B6 और B9 की बात करें, B9, तो इन तीनों से कौन सा होता है, एनीमिया नामक रोग दोस्तों हो जाता है, एनीमिया, हम सभी को यह बात मालूम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट ग्रेवल कोर्स एंड वाटर स्कॉट, सीमेंट रेता बजरी मोटी रेत और पानी के मिश्रण को दोस्तों क्या कहा जाता है, कैसे मोर्टार कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं, स्लरी कहते हैं या फिर मॉडरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं इस मिश्रण को, मुझे बताइए इसका आंसर। चले बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, कंक्रीट ही कहते हैं, मोटी रेत बजरी सीमेंट और पानी के मिक्सचर को दोस्तों कंक्रीट ही कहा जाता है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, एन एग्जांपल ऑफ अ कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का एक उदाहरण दीजिए, जल्दी से बताइए, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों का एक उदाहरण दोस्तों दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बोर्डेक्स मिक्सचर है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है या फिर दोस्तों आर्सेनिक है, जल्दी से बताइए, सौरभ जी, शिव कुमार जी, कैंडी जी, निखिल जी, सभी लोग बताइए, स्नेहा जी, चलिए सही आंसर यहां पे आ गया, सही आंसर यहां पे आ गया है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यही दोस्तों जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला कीटनाशक है, नॉर्मल भाषा में इसे DDT भी दोस्तों कह देते हैं, ठीक है ना, सही आंसर क्या है, DDT, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, डाल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, डाल्टन का जो सिद्धांत था वो निम्न में से किस नियम पर दोस्तों आधारित था, जो डाल्टन का सिद्धांत था, डाल्टन्स थ्योरी थी वो किस नियम पर दोस्तों बेस्ड थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किस पर बेस्ड थी डाल्टन की थ्योरी। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, डाल्टन की थ्योरी की बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही दोस्तों बेस्ड थी। बिल्कुल सही आंसर दे दिया है सभी लोगों ने। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज क्रिएटेड इन आवर बॉडी टू फाइट अ डिजीज, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए दोस्तों क्या होता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या फिर नन ऑफ द अबव, रोगों से लड़ने के लिए क्या चीज होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नन ऑफ द अबव या प्लाज्मा। चलिए सही आंसर है दोस्तों डब्ल्यूबीसी इज द राइट आंसर। दो होती है डब्ल्यूबीसी जो लड़ाई करती हैं, वो है दोस्तों लिम्फोसाइट और साथ में न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये दो दोस्तों ऐसी होती हैं डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जो दोस्तों हमारी बॉडी में जो अटैक होते हैं वायरस के, बैक्टीरिया के और भी कई चीजों के, उनसे दोस्तों लड़ने के लिए यही दोनों तैयार होती हैं, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, जो कि एक प्रकार की दोस्तों डब्ल्यूबीसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ फ्रेश मिल्क, ताजे दूध की पीएच सीमा कितनी होती है, जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 8 से 12, 7 से 9, 2.1 से 4.7 या 6.4 से 6.8, क्या होती है फ्रेश मिल्क की दोस्तों पीएच वैल्यू। मानवी गुप्ता जी, कैंडी जी, चलिए बिल्कुल सही आंसर है 6.4 to 6.8, ये दोस्तों यहां पर सही आंसर है 6.4 to 6.8 होता है किसका, ताजे दूध का पीएच दोस्तों, लैक्टिक एसिड की वजह से ये दोस्तों एसिडिक होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही दोस्तों दूध में ये पीएच सीमा जो है 6.4 से 6.8 दोस्तों पाई जाती है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, एमिनो एसिड दोस्तों किसके निर्माण कण है, एमिनो एसिड के द्वारा दोस्तों किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर किसका, जल्दी से बताइए किसका निर्माण होता है अमीनो एसिड्स के द्वारा। बहुत ही बढ़िया सही आंसर यहां पे आ गया, प्रोटीन का ही निर्माण होता है, बिल्कुल सही आंसर है प्रोटीन, बहुत ही बढ़िया। कुल मिला के दोस्तों 20 होते हैं, कुल मिला के 20 एमिनो एसिड होते हैं, याद कर लीजिए टोटल जो होते हैं वो 20 एमिनो एसिड दोस्तों होते हैं, जिनमें से 10 होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ही दोस्तों पाए जाते हैं और बाकी के जो 10 होते हैं ये दोस्तों विभिन्न प्रकार के फूड स्टफ से हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, इन बातों को आप लोग यहां पर याद करिए। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट कॉल देखिए, विभिन्न प्रकार के स्थाई ऊतकों के निर्माण के लिए किसकी कोशिकाओं को अलग किया जाता है, द सेल्स ऑफ द विच टिश्यू आर आइसोलेटेड टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, किस परमानेंट टिश्यू को बनाने के लिए दोस्तों यहां पर हम लोग करते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं जो स्थाई ऊतक हैं उनके निर्माण के लिए किसकी कोशिकाओं को अलग किया जाता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों मेरिस्टोमेटिक, इसी की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, मेरिस्टोमेटिक इज द राइट आंसर दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी इज अनदर नेम फॉर, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये दोस्तों किसका दूसरा नाम है, नीला हरा जो शैवाल है ये किसका दूसरा नाम है, मुझे बताइए क्या डेरीफेड बैक्टीरिया का, एक्यूफेज का या थर्मोटोगाई का या फिर दोस्तों साइनो बैक्टीरिया का। वहीदा रहमान जी, गौरव त्यागी जी, शिवम जी, मानवी गुप्ता जी, निखिल सिंह जी, चलिए आरपी वर्मा जी, सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों साइनो बैक्टीरिया, बहुत ही सुंदर, साइनो बैक्टीरिया का ही दोस्तों दूसरा नाम है नीला हरा शैवाल, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, साउंड ट्रेवल्स एट द फास्टेस्ट स्पीड इन, यानी ध्वनि दोस्तों सबसे तेज गति से यात्रा कहां करेगी,
सबसे तेज गति से यात्रा दोस्तों वो कहां करेगी, क्या वैक्यूम में, स्टील में, वाटर में, या फिर दोस्तों एयर में? आदर्श गौड़ जी, आदर्श गौड़ जी, बढ़िया, चलिए सही आंसर आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे स्टील है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर इलास्टिसिटी बढ़ती है, ठीक है, अगर इलास्टिसिटी बढ़ती है तो स्पीड भी क्या होती है साउंड की दोस्तों, बढ़ जाती है, और यहां पर इसलिए स्टील सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चले 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 आगे बढ़े दोस्तों। व्हाट इज द टिश्यू फाउंड एट द आउटर लेयर ऑफ स्किन कॉट, त्वचा की बाहरी परत पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, जल्दी से बताइए, त्वचा की बाहरी परत पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं बाहरी परत पर, एपिथेलियल पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, या फिर मस्कुलर टिश्यू, कौन से टिश्यू त्वचा की बाहरी परत पर दोस्तों पाए जाते हैं? प्रगति गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर है, एपिथेलियल टिश्यू, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एपिथेलियल टिश्यू भी त्वचा की बाहरी परत पर दोस्तों पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला देखिए, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज मिक्स्ड विद आइस द मेल्टिंग पॉइंट इज, यानी जब सामान्य नमक को बर्फ के साथ मिश्रित किया जाएगा तो गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा, क्या गलनांक बिंदु कम हो जाएगा, यानी जीरो से भी कम ठंड पर दोस्तों क्या होगा, कम गर्मी पर क्या होगा, वो पिघल जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, इसका मतलब जीरो की जगह अब वो 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री पर पिघलेगा, या फिर दोस्तों तीसरा रिमेंस अनइफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर चौथा की पहले कम हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा। तो सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए सामान्य नमक को जब बर्फ के साथ मिश्रित किया जाता है तो उसका गलनांक बिंदु कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, याद करिए यहां पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। जब भी सामान्य बर्फ को नमक के साथ मिश्रित किया जाएगा तो उसका गलनांक बिंदु दोस्तों बढ़ जाता है, यानी वो पहले 0 डिग्री पर ही पिघलता था लेकिन अब वो दोस्तों 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री और टेम्परेचर पर दोस्तों क्या होगा, वो पिघलेगा, यानी देर तक वो जमा रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों आइसक्रीम वाले करते हैं, जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं ताकि बर्फ जो है वो देर तक जमी रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, द पोलियो वैक्सीन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, पोलियो का टीका सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया, पोलियो का टीका सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताए तेजी से दोस्तों, सबसे पहले किसके द्वारा टीका तैयार किया गया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, जॉन साल के द्वारा, बिल्कुल सही दोस्तों, अमेरिकन थे जॉन साल या जे सॉल, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले पोलियो का टीका दोस्तों तैयार किया गया था। उसके बाद दोस्तों पोलियो ड्रॉप, अब मुझे बताओ किसने तैयार किया था, पोलियो ड्रॉप की खोज दोस्तों किसने की थी, या पोलियो ड्रॉप को दोस्तों किसने बनाया था, पोलियो वैक्सीन यानी पोलियो का टीका जो था वो तो जॉन साक ने बनाया, लेकिन पोलियो की ड्रॉप जो मुंह से पिलाई जाती है बच्चों को वो दोस्तों किसने बनाया था, जल्दी से बताइए, पोलियो की ड्रॉप किसने बनाई थी, बता दीजिए मुझे तेजी से कि पोलियो की ड्रॉप यहां पर किसने बनाई थी, वैक्सीन तो हम समझ गए जॉन साक ने बनाई, लेकिन पोलियो की ड्रॉप दोस्तों किसने बनाई थी, तेजी से बताइए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, अल्बर्ट साबिन दोस्तों सही आंसर है, अल्बर्ट साबिन यहां पर सही आंसर दिया है आप लोगों ने, अल्बर्ट साबिन बिल्कुल सही आंसर है, इन्होंने दोस्तों ओरल ड्रॉप का इस्तेमाल किया था, ठीक है, अल्बर्ट जो साबिन थे इन्होंने दोस्तों ड्रॉप बनाई, और दोस्तों जो वैक्सीन है वो जे साक ने सबसे पहले दोस्तों बनाई थी, ठीक है ना, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट है,
निम्न में से कौन सा ऐसा है जो जैव निम्नीकारक योग्य अपशिष्ट है? दोस्तों मुझे बताइए तेजी से, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? तेजी से बताइए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है बताइए तेजी से। चलिए सही आंसर आ गया है दोस्तों, बिल्कुल सही। ऊन जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, नायलॉन, प्लास्टिक और पॉलिथिन बैग इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन जो वूल है दोस्तों ये बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़िए, नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है दूध से दही बनाने में? दोस्तों दूध से दही बनाने में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है ये मुझे आप लोग बताइए तेजी से, किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल दोस्तों होता है दूध से दही को बनाने में? अभिषेक कुमार जी, चलिए मानवी गुप्ता जी, वहीदा रहमान जी, स्वप्ना जी, सभी लोग बताइए, निखिल सिंह जी, बिल्कुल सही आंसर यहां पर आ गया, सही आंसर लैक्टोबेसिलस। दोस्तों बिल्कुल सही, लैक्टोबेसिलस, देखिए यहां पर नाम लिख रहा हूं पूरा, लैक्टोबेसिलस, यही दोस्तों वो जीवाणु होता है, यही वो बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाने में दोस्तों सहायता करता है, ठीक है। और उसी में दोस्तों जो उत्प्रेरक है वो लैक्टस यहां पर पाया जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों दूध से दही बनाया जाता है, ठीक है, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु कॉइन्ड द टर्म मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय की अवधारणा किसने गढ़ी थी? जो दोस्तों ये गणना है मेटाबॉलिज्म जो शब्द है ये किसने दोस्तों बताया था? सबसे पहले इसका यूज क्या थियोडोर श्वान ने किया, विलियम थॉमस ब्रांडे ने किया, या जियोवानी एंटोनियो एमेडियो प्लाना ने किया? चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है, थियोडोर श्वान ने ही दोस्तों सबसे पहले मेटाबॉलिज्म नाम के शब्द का प्रयोग किया था, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो एक बार दोस्तों फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि शुभम सर एट शुभम सर अंडरस्कोर टेक्स्टबुक, ये दोस्तों ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, एट शुभम सर अंडरस्कोर टेक्स्टबुक, इसी ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ फाइल मिलेंगी, यहीं पर आपको सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर कर सकते हैं आप सभी मिलकर मुझसे, और यहां पर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, लेटेस्ट एग्जाम की जानकारियां भी दोस्तों आपको मिलेंगी, और यहीं पर दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। तो अभी टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों सर्च कीजिए एट शुभम सर अंडरस्कोर टेक्स्टबुक और इसको दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज, जो जल है वो एक ध्रुवीय अणु है, उसमें ध्रुव पाए जाते हैं, है ना, तो ये क्यों होता है मुझे बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों उसमें ध्रुव क्यों पाए जाते हैं, तेजी से बताएं मुझे उसमें ध्रुव क्यों पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर, उसमें ध्रुव क्यों पाए जाते हैं। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर दे दिया गया दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर तीन, इसके जो अनुबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन कण के निकट जो हाइड्रोजन कण है उसमें छोड़ने के लिए अधिक समय देते हैं, और धनात्मक आवेश के साथ अनिवार्य रूप से उसे उजागर प्रोटीन है। हम सभी को मालूम है एच प्लस और ओ एच माइनस जो आयन है वो दोस्तों यहां पर पाए जाते हैं, और इसी वजह से दोस्तों ये ध्रुवीय बन जाता है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन। चलिए आगे बढ़ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ पी ब्लॉक, निम्न में से कौन सा दोस्तों पी ब्लॉक का तत्व है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो दोस्तों पी ब्लॉक का तत्व है, ये बताइए मुझे तेजी से, जल्दी बता दीजिए कौन सा तत्व इसमें से दोस्तों पी ब्लॉक का होगा, बताएं मुझे तेजी से, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल यहां पर सही आंसर आ रहा है आप सभी का, बाकी लोग भी बताइए। चलिए सही आंसर यहां पे आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग का आंसर चाहिए मुझे, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है,
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों सही आंसर देखते हैं। सही आंसर यहां पर दोस्तों होगा जर्मेनियम। बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या होगा, जर्मेनियम दोस्तों हो जाएगा। बिल्कुल सही, देखिए 32 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अगर 32 एटॉमिक नंबर है तो यहीं से पता लग जाएगा कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो कहां जा रहा है, वो पी ब्लॉक में जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों पी ब्लॉक का हो गया। बाकी मैग्नीज के बारे में तो अभी देखा था, 25 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 25 होता है, यानी ये एस ब्लॉक का दोस्तों तत्व होता है। ठीक है, ये किसका होता है, एस ब्लॉक का दोस्तों क्या होता है, ये तत्व होता है। ये आप लोग यहां पर याद कर लीजिए, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इस टीएन की बात करें यहां पर, तो टीएन का मतलब है दोस्तों टेनेसाइन। इसकी अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों, टेनेसाइन है, टेनेसाइन। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों वो 117 है। अब जल्दी से मुझे सोच के बताओ ये कौन से ब्लॉक में दोस्तों होगा, क्या ये पी ब्लॉक में होगा, या एस ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा, या फिर दोस्तों ये एफ ब्लॉक में होगा। किस ब्लॉक में ये होगा हमारा 117 नंबर का ये एलिमेंट। इसी प्रकार दोस्तों जो आर ई है ये होता है दोस्तों रेनियम, ये भी याद कर लीजिए, ये रेनियम है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो दोस्तों 75 है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 75 है। सिंपल याद कर लीजिए, एस ब्लॉक का एलिमेंट है ये। ठीक है, बिल्कुल सही। जल्दी से मुझे बताइए टेनेसियम दोस्तों कौन से ग्रुप में होगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, एफ ब्लॉक सही आंसर, एफ ब्लॉक सही आंसर दोस्तों, एफ ब्लॉक का ही तत्व होगा ये हमारा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस जानकारी के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है इनमें से, इनमें से किसका दोस्तों डाइपोल मूवमेंट जो है वो शून्य है, क्या NH3 का, NF3 का, BF3 का, या CHCl3 का। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, सभी के यहां पे आंसर सही आ रहे हैं। चले चले चले, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। जो BF3 है दोस्तों इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो यहां पर शून्य होगा, डाइपोल मूवमेंट जो उसका शून्य होगा वो BF3 का दोस्तों यहां पर शून्य होगा। बिल्कुल सही, चलिए आगे बढ़िए। कच्चे लोहे में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कास्ट आयरन इज, यानी जो कार्बन का परसेंटेज है कास्ट आयरन में वो कितना होता है ये पूछा गया है, तेजी से बताइए। विहान जी, चलिए सही आंसर है 4.32 इज द राइट आंसर, इतना ही परसेंटेज होता है दोस्तों कच्चे लोहे में कार्बन का, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। व्हाट आर प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोस्तों क्या होते हैं, आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तेजी से बताइए। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या होते हैं। प्रगति जी, आशुतोष जी, स्नेहा जी, रवि कुमार जी बताओ, आदर्श गौड़ जी, विहान जी, प्रत्युष जी, बंटी जी, सभी लोग बताइए आंसर। चले चले चले, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है ये, हम सभी जानते हैं इनके बारे में, 1H1, 1H2 और 1H3। इसमें से दोस्तों 1H2 को आप याद कर लीजिए, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसी को दोस्तों हम लोग भारी जल भी कहते हैं, ठीक है, मतलब भारी जल का जो होता है D2O फॉर्मूला, उसमें हाइड्रोजन का यही दोस्तों समस्थानिक होता है। साथ ही साथ इसी को दोस्तों हम लोग परमाणु रिएक्टर में भी इस्तेमाल करते हैं, परमाणु संयंत्र में भी हम लोग ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हैं, किसकी तरह, शीतलक की तरह, यानी कूलेंट की तरह, शीतलक के साथ साथ हम इसको मॉडरेटर यानी मंदक की तरह भी दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही दोस्तों जो ड्यूटेरियम है यही दोस्तों रेडियो एक्टिव भी होता है, ये भी याद कर लीजिए, यही कैसा होता है, रेडियो एक्टिव भी दोस्तों होता है, और सूर्य का ईंधन भी दोस्तों यही होता है, सूर्य में जो क्रिया होती है वो भी दोस्तों इसी के द्वारा होती है, वहां पर भी 1H2 प्लस 1H2 मिलकर क्या करते हैं, 2He4 यानी हीलियम दोस्तों बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद करिए इस ड्यूटेरियम के बारे में, ये कुछ खास बातें हैं ड्यूटेरियम के बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग आयरन क्या होता है, पिग लोहा क्या होता है दोस्तों, क्या लोहे का अयस्क होता है, क्या इंटरमीडिएट आयरन प्रोडक्ट होता है, या ये आयरन का प्रकार ही नहीं है। पिग आयरन दोस्तों क्या होता है ये बताइए, पिग आयरन बताइए क्या होता है। चलिए 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 सही आंसर दिया है दोस्तों, लोहे का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वही दोस्तों पिग आयरन कहलाता है। अगर लोहे से कुछ बन रहा है तो जो इंटरमीडिएट उत्पाद होता है वही दोस्तों पिग आयरन कहलाता है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दोस्तों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, या न्यूट्रल दोस्तों होते हैं। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, हम सभी को मालूम है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम। हम सभी को ये बात तो बचपन से ही मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो दोस्तों निगेटिव होता है, निगेटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीएच वैल्यू एनी सब्सटेंस कैन हैव, सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है, किसी भी सब्सटेंस की अधिकतम पीएच की बात करें तो वो दोस्तों कितनी हो सकती है ये पूछा गया है। अधिकतम पीएच कितनी हो सकती है, चलिए सही आंसर है, अधिकतम पीएच हम सभी को मालूम है दोस्तों 14 हो सकती है, क्योंकि 0 से लेकर 14 तक ही पीएच स्केल होता है, तो अधिकतम पीएच कितनी हो सकती है, 14 हो सकती है। ठीक है चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह बताइए, बच्चे बच्चे को मालूम है अब तो ये टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह, बच्चे बच्चे को मालूम है डब्ल्यू होता है दोस्तों, सभी को मालूम है इसका दो प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट इन द मोस्ट क्वांटिटी इन आवर एटमॉस्फेयर, ये तो बहुत ही सस्ता क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, निम्न में से कौन सी गैस है जो हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है दोस्तों, ये तो कोई भी इसका जवाब दे सकता है बहुत ही आसानी से। बिल्कुल सही दोस्तों, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, हम सभी को मालूम है 71% में जो है वो दोस्तों नाइट्रोजन है, इसके बाद 21% में जो है वो दोस्तों ऑक्सीजन है, उसके बाद 0.93% में जो है वो दोस्तों ऑर्गन हो जाती है, और उसके बाद दोस्तों बात करें तो 0.03 इस परसेंटेज में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इतना दोस्तों ये मेन चार गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, और बाकी सब अलग अलग परसेंटेज में दोस्तों हमारे साथ गैसें मौजूद हैं, लेकिन एक गैस ऐसी है दोस्तों जो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, और वो है दोस्तों रेडॉन गैस। रेडॉन गैस जो है ये अकेली अक्रिय गैस है, या दोस्तों निष्क्रिय गैस है, जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, नॉट इन एटमॉस्फेयर, याद कर लीजिए, गैस ऐसी है दोस्तों जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लस्टर ऑफ मेटल, यानी कौन सा धातुओं की चमक को निर्धारित करता है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो धातुओं में चमक लेके आती है, क्या धातुओं की डेंसिटी, क्या धातुओं के फ्री प्रोटॉन्स, क्या धातुओं के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इनमें से कोई नहीं, कौन सी ऐसी चीज है जो धातुओं को दोस्तों चमका कर रखती है, या उनकी चमक को दोस्तों बढ़ाने का काम करती है। चले बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही धातुओं की चमक को निर्धारित करते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, आयडो फॉर्म किस प्रकार का है, आयडो फॉर्म क्या एंटीबायोटिक है, क्या एंटीसेप्टिक है, क्या एनाल्जेसिक है, या एनेस्थेटिक है दोस्तों, आयडो फॉर्म किस प्रकार का है। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, आयडो फॉर्म जो है, देखिए आयडो फॉर्म जो होता है ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करते हैं इसका, ठीक है, जो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करते हैं वो दोस्तों आयडो फॉर्म का करते हैं, और क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें, ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों वो एक प्रकार का क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है, यानी वो संवेदनाहारी होता है दोस्तों, याद कर लीजिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बटर पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑब्जेक्ट, यानी बटर पेपर किस प्रकार का उदाहरण है, क्या बटर पेपर जो है वो ट्रांसल्यूसेंट है, ऑपेक है, ल्यूमिनस है, या फिर ट्रांसपेरेंट है, बटर पेपर किस प्रकार का दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है,
तेजी से ये बताइए, बटर पेपर किस प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों? ट्रांसल्यूसेंट, ऑपेक, ल्यूमिनस या फिर ट्रांसपेरेंट? प्रगति गुप्ता जी, ज्योत्सना सिंह जी, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, ट्रांसल्यूसेंट इज द राइट आंसर, पारभासी बिल्कुल सही आंसर है यहां पर, बहुत ही बढ़िया रवि कुमार जी, अभिमन्यु जी, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स डज नॉट हैव द न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, यानी निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन दोस्तों नहीं होते, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? हीलियम में, लिथियम में, ट्राइटियम में या फिर हाइड्रोजन में, किसमें दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होते पूछा गया है? विहान जी बताइए तेजी से, अनिल बराला जी, सौरभ जी, आरपी वर्मा जी, गौरव त्यागी जी, आयांश जी, सभी लोग बताइए, रोमा दोंडा जी, चलो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सही आंसर है हाइड्रोजन दोस्तों, इसी में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, याद है ना, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार। चलिए बढ़िए आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल, निम्न में से क्या मिट्टी का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? मिट्टी का क्या सूक्ष्म पोषक तत्व दोस्तों नहीं है, इनमें से कौन सा है बताइए तेजी से इसका आंसर दोस्तों, मिट्टी का सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? नहीं है, बहुत ही सुंदर सही आंसर आ गया है, चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही, पोटेशियम इज द राइट आंसर, पोटेशियम यहां पर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी बीमारी दोस्तों होती है? अब ये मुझे बताइए, आसान क्वेश्चन यहां पे हो गया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सही आंसर यहां पे आ गया है, सूखा रोग बिल्कुल सही आंसर दोस्तों है, स्कर्वी के बारे में मालूम है सी की कमी से होता है, और घेंगा दोस्तों आयोडीन की कमी से हो जाता है, हम सभी को यह बात दोस्तों यहां पर मालूम है, हम सभी के बारे में दोस्तों ये बात मालूम है। पोलियो जो है दोस्तों ये वायरस से होता है, एक वायरस होता है पोलियो वायरस, जिसके संक्रमण से ये हमारा जो पोलियो का रोग है दोस्तों हो जाता है, ये भी याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज, यानी पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाएगा? पृथ्वी पर ही, देखिए अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा है यहां पर, ये पृथ्वी की ही बात कर रहा है कि पृथ्वी पर ही दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल यहां पर करते हैं, बताइए तेजी से बताइए। चलिए चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, स्थलीय दूरबीन यानी टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप दोस्तों सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम बता दीजिए भाई लोग, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम पूछा गया है, जल्दी से बता दो भैया क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम, बहुत ही तेजी से बताइए, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? टू क्लोरोब्यूटेन, ट्राइक्लोरोमीथेन या थ्री ब्रोमोप्रोमेन या फिर डाइक्लोरोमीथेन? चलिए चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर आ गया है, ट्राइक्लोरोमीथेन दोस्तों, CHCl3 ये इसका होता है फॉर्मूला। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए Cl आएगा, यहां पर Cl आएगा, यहां पर Cl आएगा और एक दोस्तों इसमें H आ जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा CHCl3। अब इसके अगर फॉर्मूला देखें तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन का मतलब दोस्तों मेथ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो N आएगा यानी मीथेन हो जाएगा, और क्लोरीन कितने हैं दोस्तों? तीन हैं, तो 3-ट्राइक्लोरोमीथेन आ गया है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन, अब एक ही कार्बन है तो केवल ट्राइक्लोरोमीथेन दोस्तों इसका सही नाम यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व की परमाणु संख्या फॉस्फोरस से अधिक होगी? एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ग्रेटर देन द फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से अधिक दोस्तों किसका होगा यहां पर?
एटॉमिक नंबर दोस्तों मुझे बता दीजिए तेजी से, जल्दी से बताइए किसका अधिक होगा, मैग्नीशियम का या फिर किसका, बहुत ही तेजी से बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए चलिए सही आंसर आ गया दोस्तों, क्लोरीन का यहां पर बताया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एल्यूमिनियम का होता है 13, ठीक है, अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का होता है 17, और अगर दोस्तों मैग्नीशियम की बात करें तो दोस्तों हो जाता है 12। यहीं पर दोस्तों अगर सिलिकॉन की मैं बात करूंगा तो सिलिकॉन का दोस्तों अगर देखें तो 14 हो जाता है। ऐसे में ये बिल्कुल सही कह रहा है कि क्लोरीन का जो है दोस्तों ये सबसे ज्यादा यहां पर क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, जो कि फॉस्फोरस से भी दोस्तों ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों फास्फोरस ज्यादा इसी का होगा, बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही। देखिए फास्फोरस की बात करें, देखिए सुन लीजिए मेरी बात, अगर फास्फोरस की आप बात करेंगे तो फास्फोरस का 15 होता है, जब 15 होता है तो केवल दोस्तों क्लोरीन का ही तो ज्यादा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टार्टर की क्रीम के लिए क्या फॉर्मूला है, What is the formula for the cream of tartar? Tartar की क्रीम का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? MgH का whole twice, Kc4H5O6, Na2B4O7.10H2O या फिर MgSO4.7H2O? क्या फॉर्मूला होता है टार्टर का? बताएं मुझे तेजी से दोस्तों, टार्टर का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए बाकी लोग भी बताइए दोस्तों क्या होता है टार्टर क्रीम का नाम, फॉर्मूला सॉरी। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, सही आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बाकी सबका भी। जल्दी से बाकी लोग आंसर दीजिए। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, Kc4H5O6, यही दोस्तों टार्टर क्रीम का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए अब बाकी नाम देख लीजिए, MgSO4.7H2 की बात करेंगे दोस्तों तो इसको हम लोग एप्सम सॉल्ट कहते हैं, हम सभी को मालूम होना चाहिए। एप्सम सॉल्ट ये होता है, मैग्नीशियम सल्फेट वैसे इसका केमिकल नाम है, और कॉमन नाम क्या होता है दोस्तों, एप्सम सॉल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों ये जो है, ये है सोडियम टेट्राबोरेट, यानी इसको बोरेक्स बोलते हैं दोस्तों, बोरेक्स इसका जो है वो कॉमन नाम हो जाता है, ठीक है, बोरेक्स जो है ये इसका दोस्तों कॉमन नाम हो जाता है, ये आप लोग यहां पर याद करिए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो MgOH का होल ट्वाइस है, अगर MgOH के होल ट्वाइस दोस्तों बात करें तो ये यहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, ये क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों। इसको एंटासिड की तरह दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड की तरह, यानी दोस्तों पेट के रोग के लिए, पेट के रोग के लिए दोस्तों ये एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है, याद कर लीजिए आप बाकी इन तीनों के भी नाम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, रबड़ के वल्कनाइजेशन में सल्फर की भूमिका क्या होती है, रबड़ के वल्कनाइजेशन में जो सल्फर है दोस्तों वो क्या करता है ये बताइए, रबड़ के वल्कनाइजेशन में सल्फर क्या करेगा, तेजी से बताइए, सल्फर क्या करेगा रबड़ के वल्कनाइजेशन में। चलिए आदर्श गौर जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, रबड़ जो होता है इसमें बहुश्रृंखलक श्रृंखला के बीच में क्रॉस लिंक पेश करता है हमारा सल्फर, ठीक है, यानी सल्फर क्या करेगा, रबड़ को मजबूत बनाने का काम कर देता है, ठीक है ना, यानी कठोर बनाने का काम दोस्तों जो करता है वो हमारा सल्फर करता है रबड़ के वल्कनाइजेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C12H22O11 और किस नाम से जाना जाता है, C12H22O11
ये किस नाम से दोस्तों जाना जाएगा, बताइए तेजी से, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर यहां पर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, सभी लोग इसके आंसर दीजिए। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों शक्कर, बिल्कुल यहां पर सही आंसर सभी लोगों ने दे दिया है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही। जो शुगर होती है, जो हमारी शर्करा होती है, उसी का फॉर्मूला है ये C12H22O11। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फ्लैगरेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कशाबिकी जो होते हैं, फ्लैगेट्स होते हैं, ये किसके दोस्तों एग्जाम्पल है, क्या ये फंगाई होते हैं, शैवाल होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, या फिर दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं ये हमारे, मुझे बताइए तेजी से। सुंदर दोस्तों, सही आंसर आ रहा है सभी का, जल्दी से बताइए ये क्या होते हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। चलिए फ्लैगलेट्स की बात अगर करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ ही होते हैं एक प्रकार के, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। वहीदा रहमान जी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शर्मिष्ठा गंगुली जी, सौरभ जी, जिष्णु जी, अयांश जी, अनिल बराला जी, सही आंसर यहां पर 3 होगा दोस्तों, प्रोटोजोआ होते हैं एक प्रकार के कशाबेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट एटॉमिक नंबर, निम्न में से किसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को, निम्न में से किसका जो एटॉमिक नंबर है वो दोस्तों सबसे कम है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए किसका सबसे कम होगा एटॉमिक नंबर। चलिए बिल्कुल यहां पर सही आ रहा है, सही आंसर आ रहा है दोस्तों, सही आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। चलिए चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पे दोस्तों क्रोमियम का आ गया है, सही आंसर है क्रोमियम, उसकी वजह यह है कि सेलेनियम का जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों वो होता है 34। अगर निकिल की बात करेंगे तो निकिल का दोस्तों हो जाता है 28, क्रोमियम की बात करेंगे तो होगा 24, और कैडमियम की बात करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 48। इस प्रकार सबसे कम की बात करें तो यहां पर दोस्तों क्रोमियम सही आंसर हो जाएगा, क्रोमियम का सबसे कम दोस्तों यहां पर क्या होता है एटॉमिक नंबर हो जाता है, जो कि 24 है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेक्स्ट बुक का दोस्तों चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का ये ग्रुप दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो आप सभी के लिए है @shubhamsir_textbook दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करते ही दोस्तों आपको मिलेगी ये PDF फाइल जो इस लेक्चर की है, और साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पर सभी प्रकार के डाउट भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट इंडिकेट द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक्टिविटी, निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मी गतिविधि को इंगित नहीं करता, यानी प्राकृतिक रूप से कौन दोस्तों इसमें रेडियो एक्टिव नहीं है, अब ये मुझे बताइए प्राकृतिक रूप से कौन इनमें से रेडियो एक्टिव दोस्तों नहीं होता। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर आ गया है। चलिए देखिए, अरे माई जोन ट्यूब जी, जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं उसमें यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है, तब उसका आंसर बोरॉन हुआ है, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, एलिमेंट वाला आंसर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिकमेंडेड डेफिशिएंट स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरसेस, यानी कोरोना वायरस को मारने के लिए अनुसंशित कीटाणु नाशक दोस्तों कौन सा बताया गया, इनमें से कौन सा कीटाणु नाशक बताया गया जो कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है, क्या वो कार्बोनिक एसिड है, लाइजोल है, फिनाइल है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट, बताएं मुझे तेजी से, बताइए इसका आंसर।
श्वेता यादव जी, सूरज जी, निखिल सिंह जी, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइड, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया, ऑप्शन नंबर चार इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है, क्या वो एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, पैरेन्काइमा है, या फिर दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा एक ऐसा है जो पशु ऊतक नहीं है दोस्तों। चलिए बिल्कुल सही अनिल बराला जी, बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर यहां पे दिया है मृदूतक, मृदूतक इसलिए सही आंसर होगा यहां पर दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है निखिल सिंह जी, आपका आंसर गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर तीन यहां पर सही होगा, ठीक है। पशु ऊतक जो है दोस्तों मृदूतक नहीं है, बाकी सभी एक ऊतक होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द व्हाइट गोल्ड, निम्न में से किसे दोस्तों सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, निकिल को, रोडियम को, प्लेटिनम को, या फिर पैलेडियम को, किसको सफेद सोने के नाम से दोस्तों जाना जाता है। वहीदा रहमान जी, प्रदीप कुमार जी, सिद्धि गुप्ता जी, मांशु जी, सभी लोग बताएं आंसर। चलिए सही आंसर है दोस्तों प्लैटिनम इज द राइट आंसर, सफेद सोना कहा जाता है प्लैटिनम को, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में पर्यायण संधियों की संख्या कितनी है, सेडल ज्वाइंट दोस्तों कितने होते हैं, जल्दी से बताइए, ह्यूमन बॉडी के दोस्तों ज्वाइंट कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर जब आ रहा है, सही आंसर यहां पे आ रहा है, सेडल ज्वाइंट की यहां बात की गई है, पर्यायण संधियों की दोस्तों यहां पे बात की गई है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए बताइए सभी लोग, बाकी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर देंगे। चलिए चलिए सभी का सही आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पे दोस्तों, चार हो जाते हैं, चार ज्वाइंट हमारे सेडल ज्वाइंट होते हैं, ये इस प्रकार के ज्वाइंट होते हैं जो एक ही दिशा में दोस्तों मूवमेंट को अलाउ करते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में ये हमारे मूवमेंट को अलाउ करेंगे, जैसे ये हमारे अंगूठे का जो जोड़ है, ये देखिए एक ही मूवमेंट में एक ही तरफ दोस्तों क्या कर रहा है, ज्वाइंट को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल इज प्रेजेंट इन द ब्रास, ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर, कौन सी इनमें से धातु होती है जो पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तीनों में ही मौजूद होती है, क्या वो जस्ता है, टिन है, तांबा है, या फिर दोस्तों वो निकल है, कौन सी ऐसी होती है जो दोस्तों धातु पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर तीनों में ही मौजूद होती है। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है दोस्तों, बहुत बढ़िया, तांबा, कॉपर इज द राइट आंसर, ये पीतल में भी है, कांसे में भी है और जर्मन सिल्वर में भी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़िए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण दोस्तों कहां होता है, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण दोस्तों कहां होता है पूछा गया है, ब्रूनर्स में, वृक्क में, लिवर में, या फिर पेट में, जल्दी से बताइए कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कहां होता है, तेजी से बताएंगे इसका आंसर, कोलेस्ट्रॉल का कहां होता है दोस्तों संश्लेषण। चलिए तेजी से बताइए इसका आंसर दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का पूछा गया है, बताएंगे तेजी से इसका आंसर सभी लोग। चलिए बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आप सभी लोगों ने दे दिया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए सही आंसर की बात कर लेते हैं, यकृत दोस्तों आंसर है, लिवर यहां पर, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी लोगों ने। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द सेल डिवीजन,
इनमें से कौन सी कोशिका दोस्तों कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेता, कौन सा कोशिका ऐसा है जो कोशिका विभाजन में दोस्तों भाग नहीं लेती? क्या वो जर्म मदर सेल है, नर्व सेल है, पेनक्रियाटिक सेल है, या नन ऑफ द अबव? कौन सी ऐसी सेल है जो कोशिका विभाजन में दोस्तों भाग नहीं लेती? प्रदीप कुमार जी, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, तंत्रिका कोशिका ही वो कोशिका है जो दोस्तों कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती है। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, Which among the following is given to a player for instant energy? कौन सी चीज खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए दी जाती है? कौन सी ऊर्जा दी जाती है दोस्तों तत्काल ऊर्जा के लिए? कौन सी चीज खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए दी जाएगी? तत्काल ऊर्जा के लिए कौन सी चीज दोस्तों दी जाएगी खिलाड़ियों को? चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों आंसर आ गया है, कार्बोहाइड्रेट ही दोस्तों बिल्कुल दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट यहां पर दिया जाता है। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का दोस्तों यहां पर आया। चलिए तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करे हैं आज अपने इस लेक्चर में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, जो सारे हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी ग्रुप पर आपको अभी दोस्तों पीडीएफ फाइल भी मिलने वाली है, इसी लेक्चर की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी और साथ में और भी पीडीएफ फाइल मिलेंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए दोस्तों आज ही @shubhamsir_textbook, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहां पर आप सभी के लिए टेस्ट बुक का पास भी दोस्तों बनाया गया है, जहां पर आपको 26,000 से भी ज्यादा मिलेंगे मॉक टेस्ट, जो 400 से भी ज्यादा एग्जाम में दोस्तों काम में आएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए इनके साथ, कोड का इस्तेमाल अगर करेंगे, अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे SUAPASS, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 30% का दोस्तों मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट बुक की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप दोस्तों कर सकते हैं textbook.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और सभी तरह के दोस्तों यहां पर फीचर्स जो है उनका लाभ उठाइए, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए दोस्तों यहां पर शुरू कर दिया गया है SSC CGL 2022 का फाउंडेशन लाइव कोचिंग बैच, जिसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगी दोस्तों 400 से भी अधिक क्लासेस, 400 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट, 50 से भी ज्यादा मिलेंगे टेस्ट और 150 से भी ज्यादा पीडीएफ फाइल मिलेंगे दोस्तों आपको। इन सभी को आप लोग प्रयोग कर सकते हैं और यहां पर भी एक कोड के माध्यम से आप ले सकते हैं डिस्काउंट SHUBHAMA, ठीक है। इस कोड की हेल्प से आप ले सकते हैं दोस्तों जबरदस्त डिस्काउंट। दोस्तों ये बैच भी दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त टीचर्स के द्वारा आपको मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो पांचों टीचर्स हैं दोस्तों ये अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, अपने अपने फील्ड में लंबा अनुभव दोस्तों रखते हैं और सभी टीचर्स विभिन्न एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हुए हैं, तो इनको पता है कि कब कहां से कितना पढ़ना है और कब कहां से कितना छोड़ना है। तो आज ही दोस्तों इनके सानिध्य में आ जाइए और अपना नाम दोस्तों इस बैनर पर छपवा लीजिए। इंतजार है मुझे आप सभी का नाम इस बैनर पर देखने का, तो जल्दी से दोस्तों कीजिए तैयारी और दोस्तों आ जाइए इस बैनर में अपने फोटो के साथ। चलिए दोस्तों उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए और दोस्तों इनका रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि दोस्तों अब आपकी तैयारी में कोई भी कमी दोस्तों ना रहे और साइंस दोस्तों आपका पूरा सही हो जाए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मिलूंगा मैं कल सुबह आपको 8:30 बजे अपने साइंस के लेक्चर में, सुबह 8:30 बजे मुझसे जरूर जुड़े, सुबह मिलूंगा आपको 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोग को मेरी शुभकामनाएं, आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों आलस्य से दूर रहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक बात फिर से कहूंगा कि ठंड का मौसम बढ़ रहा है, सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अपने आस पड़ोस में जो भी आपको प्राणी ऐसा मिलता है जो ठंड से परेशान है, तो उसकी हर संभव मदद दोस्तों जरूर करें, अपने स्तर से जो भी हो सकता है उसकी मदद करें दोस्तों, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो अन्य प्राणी हो, अगर कोई भी ठंड से दोस्तों परेशान है तो उसकी हेल्प दोस्तों जरूर करें। चलिए तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।